नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं CNCBMC इंटरव्यू क्वेश्चन आंसरिंग सीरीज़, जिसमें ये इस सीरीज़ की 26th वीडियो है। और इस वीडियो में हम जानें कि CNC टर्निंग में जो आपके वर्क ऑफसेट या जिनको आप वर्क कोऑर्डिनेट भी बोलते हो, G54 से G59 तक, तो उनको आप G10 के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हो। जैसा हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में जाना कि G10 एक डाटा सेटिंग की कमांड है और ये जो है डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करती है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को रजिस्टर करने के लिए। तो CNC टर्निंग में G54 से G59 तक के वर्क ऑफसेट को अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको G10 प्रोग्राम करना है और जो कि एक डाटा सेटिंग की कमांड है। और उसके बाद आपको L2 प्रोग्राम करना है, जो कि आपकी मशीन को ये डिफाइन करती है कि आप G10 को वर्क ऑफसेट रजिस्टर करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हो, जो कि आपके G54 से G59 तक है। उसके बाद आपको P वैल्यू प्रोग्राम करनी है। P की वैल्यू आपकी P1 से P6 तक हो सकती है। जब आप P1 को प्रोग्राम करोगे तो आप G54 को रजिस्टर कर रहे हो, P2 को प्रोग्राम करोगे तो G55 को रजिस्टर कर रहे हो, P3 को प्रोग्राम करोगे तो G56 को रजिस्टर कर रहे हो, P4 को प्रोग्राम करोगे तो G57 को रजिस्टर कर रहे हो, P5 को प्रोग्राम करोगे तो G58 को रजिस्टर कर रहे हो, और P6 को प्रोग्राम जब आप कर रहे हो तो G59 को रजिस्टर कर रहे हो। ये P वैल्यू आपको G10 के साथ डिफाइन करनी है। और उसके बाद आपको एक्सेस वैल्यू प्रोग्राम करनी है। और जैसा हम जानते हैं CNC टर्निंग में दो ही एक्सेस होती हैं, एक्स और जेड। एक्सेस वैल्यू आप एक्स और जेड के साथ प्रोग्राम करें। और जैसा हम जानते हैं कि G10 जो है दो मोड में वर्क करता है, एक एब्सोल्यूट मोड और इंक्रीमेंटल मोड में। और हम ये भी जानते हैं कि CNC टर्निंग में एब्सोल्यूट मोड को डिफाइन करने के लिए आप एक्स और जेड अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हो, और वहीं इंक्रीमेंटल मोड को डिफाइन करने के लिए आप यू और डब्ल्यू का यूज़ करते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए जब भी आप G10 को एब्सोल्यूट मोड में प्रोग्राम कर रहे हो, तो आप एक्स और जेड अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए एक्सेस वैल्यू प्रोग्राम करो। और जब भी आपको इंक्रीमेंटल मोड के साथ G10 को यूज़ करना है, तो आप यू और डब्ल्यू अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए एक्सेस वैल्यू प्रोग्राम करो। और G10 की एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मोड में वर्किंग डिफरेंस मैंने पिछली दो वीडियोज़ में डिस्कस करी है, तो आप उन वीडियोस को जाके देखें। और एट लास्ट थैंक यू।